नगर निगम का चार्ज लेते ही जिलाधिकारी नेहा शर्मा दिखाई दी एक्शन में। शहर में रैन बसेरों की स्थिति का लिया जायजा, पुराने पेंडिंग पड़े बिलों का भुगतान करने के दिए आदेश, साथ ही बढ़ती सर्दी के चलते गैस हीटर लगवाने की व्यवस्था। कितने रैन बसेरों की व्यवस्था है और अभी कहां कहां इन्हें स्थापित किया गया है? देखिए, जनपद में पूरे जो रैन बसेरे हैं वो संख्यात्मक तौर पे बताऊं तो 6 रैन बसेरों की व्यवस्था है, जिसमें से 5 जो हैं वो नगर निगम के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। 1 रैन बसेरा जो है वो जिला चिकित्सालय परिसर में टीवी वार्ड के पीछे। तो इस प्रकार से विभिन्न पॉइंट्स पर जहाँ पर राहगीरों का आवागमन ज़्यादा होता है, जैसे सुभाष तिराहा स्टेशन रोड पर, बोध आश्रम में पुल के जो नीचे, ब्रिज के नीचे, और एक हमारा परमानेंट रैन बसेरा जो है वो बस स्टैंड के सामने है, एक बस स्टैंड पे भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से संख्या में ये 6 रैन बसेरे हैं, और ये आशय के साथ में हम लोग आप लोगों के से भी मुखातिब हो रहे हैं कि इन रैन बसेरों का प्रचार प्रसार हो, जो लोग इसमें इसकी यूटिलाइज करने के लिए जिनको ज़रूरतमंद हैं वो ज़रूरत में इसका उपयोग कर सकें। सप्ताह देखा जाता है प्रतिवर्ष में कि कहीं कहीं इसका दुरुपयोग होता है, यही लोकल के ही लोग वहाँ जा करके उसमें आराम फरमाते हैं, जो बाहर से लोग आने वाले जाने वाले हैं उनको बड़ा दिक्कत खड़ी होती है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, समय समय पर हम लोग खुद भी निरीक्षण कर रहे थे, और एक अच्छी हर्ष की बात थी कि जब मैंने खुद ने निरीक्षण किया था तो मुझे उसमें बाहर के लोग, मुरादाबाद से, चंडीगढ़ से आए हुए लोग रुके हुए पाए थे मैंने। और अगर कहीं पर इस तरह से दुरुपयोग होता हुआ पाया जाता है, जैसे मैंने देखा टीवी वार्ड के पीछे वाला जो रैन बसेरा है वो इतना अच्छा होते हुए भी अंडर यूटिलाइज्ड है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो रैन बसेरा के जो लोग उसके लगाए गए देखरेख कर्ता के रूप में, उनके फ़ोन नंबर्स को भी हम लोग प्रसारित कर रहे हैं आपके माध्यम से भी, उसका मैं आह्वान करना चाहूँगी, और इन सभी को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, और जो लोग हैं विजिबल पॉइंट्स पर इनके नंबर्स को प्रदर्शित किया जाए, और जो लोग इसका उपयोग करने के लिए ज़रूरतमंद है वो आ सकें। एक मैडम ऐसा भी देखा गया।